नमस्कार। दिनांक 10 अगस्त 2019 का दैनिक राशिफल यहां आप सभी के समक्ष चर्चाओं के साथ लेकर हम उपस्थित हैं। शनिवार रहेगा, ज्येष्ठा नक्षत्र की परिधियां है तो विशेष चर्चाओं के भीतर बृहस्पति प्रधान मीन राशि रहने वाली है। चंद्रमा इस पूरे दिन वृश्चिक राशि के भीतर तो उसके बाद अपनी नीचस्त स्थितियों से निकलकर रात्रि 11:05 पर धनु राशि के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, संचरण व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर जाएंगे। तो राशिफल की शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मेष राशि के साथ, एरीज मून साइन के साथ में। यहां पर जो व्यापारिक गतिविधियों के भीतर आपके लिए मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी रहेगी, यहां मन उचाट करने वाली स्थितियां रह सकती है, किंतु भीतरी तौर के ऊपर जो भी दावानल पनपते हैं, भीतरी तौर के ऊपर कई बार जो फ्रस्ट्रेशंस रहती है और उनका जवाब नहीं मिल पाता, ये किस वजह से है? व्यापारिक स्तर के भीतर कई बार लीकेज, कई बार जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं हम बहुत क्लैरिटी के साथ में उन्हें अपनी पोजीशंस नहीं बता पाते, तो ये दिन उस लिहाजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में क्लैरिफिकेशन के लिए जाएं, अपनी पोजीशंस को फिर से सुदृढ़ करने की शुरुआत करें और कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय लेने से इस दिन में बचें। ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ आप जा सकते हैं, सोच और विचार की तरफ आप जा सकते हैं, प्लानिंग को सिरों के साथ में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, किंतु एग्जीक्यूशन के फेज के साथ में थोड़ा सा रुक कर आपको चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। कम्युनिकेशन गैप अपने वर्कर्स के साथ में नहीं आए, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में नहीं आए, ये ख्याल रखें। जो लोग भी 6 days a week के साथ जुड़े रहते हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन चुनौती भरा रह सकता है। वीकेंड का दिन थोड़े से फ्रस्ट्रेशंस आपके सामने लेकर आ सकता है। कार्य कुशलता के साथ में चलने का कार्य करें, प्रत्येक शब्द को बोलने से पहले आप सोचें और साथ में ही अपनी जॉब में डिसिप्लिन का जितना ध्यान रखेंगे उतना ही क्लैशेस को अवर्ट करते चले जाएंगे आप। अनुशासन, स्व अनुशासन को आज हथियार बनाकर आप चलते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर पोजीशनिंग वाला ये समय कहा जा सकता है। वहीं जो भी महिलाएं गृहस्थ में जुड़ी हुई हैं, हल्की फुल्की परेशानियां और उनके लिए भी कम्युनिकेशन गैप वाली स्थितियां अपने बेटर हाफ के साथ में दिखाई देती है। शिक्षा काल के मध्य जो भी महानुभाव PhD के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही किसी क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, ये दिन रिजल्ट के बेसिस के ऊपर थोड़ा सा निचले स्तर का कहा जा सकता है। मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, फैसिनेशंस और एनवी से आपको दूर रहना पड़ेगा इस दिन के भीतर। वृषभ राशि, व्यापारिक गतिविधियों के भीतर जो एक चकाचौंध रहनी चाहिए, जो रुपए और पैसे की आवक बढ़नी चाहिए, जो पोजीशंस हमें मिलनी चाहिए, यश और मान की प्राप्ति, पद और प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति होनी चाहिए वो इस दिन आपको मिलती हुई दिखाई देती है। विश्वास पूर्ण रूप से आप दूसरे लोगों के भीतर बैठा पाएंगे तो कोई भी डील को फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, किसी और पोजीशन को सोचने की तरफ आप जा रहे हैं जहां पर आपको कॉन्कर करने की आवश्यकता है, जहां पर आपको जाकर डोमिनेट करने की आवश्यकताएं हैं, उन सारे ही क्षेत्रों के भीतर ये दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देने वाला कहा जा सकता है। गृहस्थ की प्रगाढ़ता, गृहस्थ का सपोर्ट और गृहस्थ से जो कई बार फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर हमें मदद मिलनी चाहिए, जो एक तरह से इंस्टेंट बेसिस के ऊपर महिलाओं के साथ रहती है, वो सपोर्ट आज आपको मिलता हुआ देखा जा सकता है। कहीं भी परेशानियों के भीतर, भले ही वो फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर हो, भले ही वो पर्सनल टर्म्स के अंदर हो, भले ही वो प्रोफेशनल टर्म्स के अंदर हो, अपने बेटर हाफ से अपनी वास्तविक स्थितियों को, यथार्थ का परिचय करवाने से उनसे बिल्कुल भी आपको बचना नहीं चाहिए। सॉल्यूशंस मिलते हुए प्रतीत होंगे आपको। वहीं पे अगर एजुकेशन के क्षेत्र की बात करते हैं तो जहां पर भी आपको कोई स्पीच देने के लिए जाना है, किसी डिबेट कंपटीशन के लिए जाना है, किसी और ऐसे स्तर के ऊपर जहां पे मॉक पोजीशंस के साथ में बहुत कुछ चलता है आजकल, उन सारे ही क्षेत्रों में ये दिन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस के भीतर एक नवीन उन्नति करने वाला ये दिन प्रतीत होता है। नौकरी पेशा लोग जो भी किसी सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए बेहद अच्छा, बेहद शानदार कहा जा सकता है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो पुराने रोग पनपे हुए थे आज वो रोग ढलान की ओर अग्रसर रहेंगे। जो रोगों से लड़ने की क्षमताएं हमारे भीतर होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से विकसित होती हुई देखी जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहां पर नई शुरुआत करने से आपको गुरेज नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टर्न
मुश्किल डिसीजन जो आपको लग रहा है लंबे समय से कि मुझे लेने की आवश्यकता है, किंतु आप कोताही बरतते जा रहे थे, ये ध्यान में रखते हुए कि षष्ठ शनि की पोजीशंस है, फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे वाजिब स्थितियां हैं। मन उचाट है पहले से, और उसके भीतर कोई भी ऐसा निर्णय लेना हो, उस व्यक्ति के साथ में कैंडिडली कोई भी बात करनी हो, आज डिप्लोमेसी आपके साथ में नहीं रहेगी, तो उसका फायदा उठाएं और उसी पोजिशन के साथ में खुद को डेवलप करते चले जाएं। विदेश संबंधी यात्राओं के भीतर जो भी महानुभाव वे रहते हैं, उनके लिए यह दिन बेहद सकारात्मक संभावनाओं वाला कहा जा सकता है। ट्रेवलिंग की पोजीशंस के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, तब भी यह दिन अत्यधिक बेहतरीन पोजीशंस के साथ में रहेगा आपके लिए। वहीं पे कोई भी लोन आदि की पोजीशंस के लिए जाना चाहते हैं, तो खुद को जितना रोक कर चलेंगे उतना ही बेहतर कहा जाएगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं में वृद्धि देखी जा सकती है। मेडिकोज और इंजीनियरिंग के फील्ड से अगर आपका जुड़ाव है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये दिन आपके लिए नई जॉब के ऑफर्स को लेकर आ सकता है। ये दिन आपके लिए नई संभावनाओं को सामने उद्घाटित करता हुआ दिखाई देता है और उसी सिरे के साथ में लाभ प्रतिध्वनित होते हुए दिखाई देते हैं आपके। यानी कि जो भी कामकाज सामने आया प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, भले ही वो प्रोफाइल चेंजेस का हो या फिर जॉब चेंजेस का हो, उसे एक्सेप्ट करें, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ते चले जाएं। देखिएगा जो ये दिन परिवर्तन आपके सामने लेकर आ रहा है, वो दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति आपको करवाने वाला होगा। प्रथमतया तो स्थिति ये, उसमें भी अगर आप कोई नई फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हैं, किसी फिक्स्ड काइंड के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो कर्क राशि वाले महानुभावों के लिए ये दिन अत्यधिक बेहतरीन और सुदृढ़ बना हुआ है। वहीं गृहस्थ में जो पुराने रिलेशंस आदि होते हैं या संशय की जो पोजीशंस होती है, वो परेशान कर सकती है, इसका ख्याल रखें विशेष तौर के ऊपर। सिंह राशि, यहां आप देखें कि किसी भी नए काम की शुरुआत के साथ में इस दिन आपको नहीं बढ़ना चाहिए। प्रथमतया तो स्थिति ये, प्रबंधन के किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स के साथ में आप चलते रहे हैं, तो जो भी निर्णय लेना है उसमें दो से चार लोगों की राय शुमारी करें, सोल बेसिस के ऊपर किसी भी निर्णय को लेने की तरफ नहीं जाएं। मति दिग्भ्रमित होने वाली अवस्थाएं, कंफ्यूज्ड अप्रोच आपके लिए रह सकती है, तो उससे जितना बचेंगे उतना ही बेहतर है। लाभ की स्थितियों की तरफ लगातार आप फैसिनेट रहेंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करने के लिए आप फैसिनेट रहेंगे, किंतु वो फैसिनेशन आपको अचीवमेंट की तरफ नहीं लेकर जाएगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर जाएगा, तो वहां पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना ही बेहतर है। किसी भी इवनिंग टाइम के अंदर मित्रों के साथ में मिलना करना होता है या कोई भी ऐसे फंक्शन की तरफ जाना होता है, क्लैशेस को अवॉइड करके रखें, क्योंकि संबंधों के अंदर दिक्कत सिंह राशि वाले महानुभावों को इस दिन आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे पिता के साथ में कोई भी कामकाज, विशेष तौर पे रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन का कामकाज जुड़ा हुआ है, तो आप अपने अनुभव के साथ जरूर चलें, किंतु उस अनुभव को अपने घर परिवार के सदस्यों के ऊपर थोपने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें, जो लंबे समय से उस कार्य के एक्सपीरियंस के साथ में लगातार चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकताएं आपको पूर्ण रूपेण रहेंगी ही रहेंगी। कन्या राशि, पराक्रम के भीतर पूर्ण रूपेण आपके लिए यहां पर वृद्धि दिखाई देती है। पराक्रम के साथ ही साथ में जो साहस की स्थितियां हैं, वो एक लेवल के भीतर जाती हुई देखी जा सकती है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से, अगर आप बिजनेसमैन हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में मिलना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छे ओहदे के ऊपर है, लंबे समय से उससे कोई भी न कोई सौदेबाजी की हम तरफ जा रहे थे, किंतु क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, वहां पर संभावनाएं बार बार शिथिलता की तरफ अगर अग्रसर हो रही थी, तो एक कदम आप अपना आगे बढ़ाइए और चलते चले जाइए, देखिएगा सफलता किस तरह से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कई बार हम इस गफलत के भीतर रहते हैं कि हमें इस काम की जरूरत है, किंतु सामने वाले व्यक्ति को भी हमारी उन आवश्यकताओं की और हमारे उस हुनर की उतनी ही जरूरत होती है, तो इस बात की बहुत अच्छे से इस दिन पहचान करें, बढ़ते चले जाएं, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य भी पूर्ण रूपेण सपोर्टिव बना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसका कोई भी वर्क फ्रेम आपके साथ में जुड़ा हुआ है, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, दोनों ही पोजिशंस के अंदर आप आगे बढ़ने का कार्य उस क्षेत्र विशेष के साथ में कर सकते हैं। भाई बहनों का सपोर्ट इस दिन पूर्ण रूपेण आपके लिए स्थापित होता हुआ देखा जा सकता है। तुला राशि,
धनागमन की जो संभावनाएं हैं, लिक्विडिटी की जो पोजीशंस है, इस दिन एक स्तर के ऊपर बढ़ती हुई आपके लिए देखी जा सकती है। प्रथमतया तो स्तर ये, उसके साथ में ही जो कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं वहां पर भी नवीन प्रगतिशीलता यहां पर इस दिन आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई भी हिडन प्रॉब्लम्स जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, भले ही वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो, किसी भी महानुभाव के साथ में आपके क्लैशेस चल रहे थे, तो वो क्लैशेस भी एक और जाने का कार्य कर सकते हैं। बड़ी ही स्पष्टता के साथ में आप अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के किसी भी कामकाज के साथ में, विशेष तौर पर धातु, एग्रीकल्चर या फिर कोई भी ऐसे रियल एस्टेट के कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं जो कि सौदेबाजी के भीतर अटका हुआ था, आज वो क्लैरिटी की तरफ आपके लिए अग्रसर होता हुआ देखा जा सकता है। वहीं पे कोई भी नए लोन आदि को लेने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष से या फिर ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से आप संपर्क कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता देखी जा सकती है सुनिश्चित तौर के ऊपर। वृश्चिक राशि, कॉन्फिडेंस के भीतर वृद्धि रहेगी। जो लोग भी शिक्षा के आयाम के साथ में जुड़े हुए हैं और शिक्षा काल के भीतर अध्ययनरत हैं, उन सभी लोगों के लिए ये दिन चुनौती भरा कहा जा सकता है, किंतु इन चुनौतियों से आप पार भी पाएंगे। संघर्षों से मुख मोड़ने की आवश्यकताएं नहीं है। इस दिन का संघर्ष संध्या काल आते आते बेहद अच्छी खबरें आपको सुनाने वाला होगा। लंबे समय से किसी रिजल्ट की आपको वेट थी, वो क्लैरिटी की तरफ नहीं जा पा रहा था, ये दिन खुशखबरी उस लिहाजा भी आपके लिए लेकर आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी कामकाज के साथ में अगर जुड़ाव है, इसके साथ में ही कंस्ट्रक्शन के किसी भी कामकाज के साथ में, ठेकेदारी के किसी भी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, ये दिन बेहतरीन और बेहद सुदृढ़ है आपके लिए। तो जो भी वर्किंग कल्चर की अप्रोच है उसे कहीं भी सीमित करने का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का सपोर्ट बना रहेगा, माता पिता की जो संबंधों की प्रगाढ़ता हमारे साथ में स्थापित होती है उसके आशीर्वाद की छाया में आप दिन दूनी रात चौगुनी इस दिन प्रगति करते चले जाएंगे। संतान सुख और संतान से सुख की स्थितियों में भी वृद्धि है इस दिन। संतान के द्वारा भी अच्छी खबरें वृश्चिक राशि वाले महानुभावों को मिलती चली जाएगी। याद रहे, स्मृतियों के भीतर रहे कि साढ़े साती का अंतिम अंतराल आपको चल रहा है। जैसे जैसे 24 जनवरी की पोजिशन नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आपके लिए गिफ्टेड अप्रोच वाली पोजिशन कामकाजी जीवन के भीतर बनती चली जा रही है। धनु राशि, जो लोग भी विदेश में रहकर किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने एक तरह से प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपनी नौकरी को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, सक्सेस मिलने की संभावनाएं इस दिन चुनौतियों के साथ में जन्म लेंगी। चुनौती है किंतु उसके पार सफलता भी आपके लिए है। तो जो अज्ञात भय की दीवार, इन दोनों के बीच में, चुनौती और सफलता के बीच में जो अज्ञात भय की दीवार चंद्रमा की इन पोजिशंस की वजह से बनी हुई है, उसे एक तरफ करने का कार्य करें। अपने कामकाज को सुदृढ़ता के साथ में बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी भी व्यक्ति की आवाज को सुने साइडलाइन करते चले जाएं। देखिएगा जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपके लिए पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। जो भी लोग किसी भी नौकरी पेशा स्थितियों के साथ में स्वदेश या शहर को छोड़कर रह रहे हैं, तो उनके लिए एक पोजीशन जो यहां पर दिखाई देती है उसमें खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। ये पोजीशन तो विदेश के लिए भी है कि खर्चों की अधिकता आपके लिए बनी रह सकती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है और उसमें भी रिसर्च के साथ नई सफलता की उम्मीद आप इस दिन खुद के लिए कर सकते हैं। मकर राशि, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इसके साथ में ही इंस्टेंट बेसिस का कोई भी धन लाभ का काम हो, होटल मैनेजमेंट का कोई भी कामकाज हो, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली प्लांटेशन और उसकी मार्केटिंग से संबंधित किसी भी कार्य की अगर हम बात करते हैं तो सफलता आपको इस दिन पूर्ण रूप से मिलती हुई देखी जा सकती है। प्रथमतया तो स्थिति ये, इसके साथ ही साथ में जो व्यापारिक गतिविधियों में लाभ मिलना चाहिए, मैन मैनेजमेंट को प्रॉपर बेसिस पे रखिएगा, डिसिप्लिन को एक तरह से खुद के साथ में भी और अपनी पूरी टीम के साथ में हावी करके रखिएगा, तो देखिएगा रिजल्ट और अच्छे आपके लिए आते चले जाएंगे। क्षमताओं के भीतर इस दिन वृद्धि है। श्रावण जो है मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, तो इस दिन के भीतर शिव उपासना के साथ में आपको जरूर जाना चाहिए। किसी भी हनुमान मंदिर के ऊपर अगर आप ध्वजा चढ़ाते हैं तो रिजल्ट और बेहतर मकर राशि वाले महानुभावों के लिए। कुंभ राशि, अगर फैमिलियर पोजीशंस के साथ में कोई भी व्यापार आपका जुड़ा हुआ है तो उसमें पूर्ण रूप से वृद्धि आपके लिए देखी जा सकती है। जो भी प्रबंधन की स्थितियां होती है फैमिलियर बिजनेस के साथ में, उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निकलकर सामने आने का कार्य कर सकती है। आजीविका के जो साधन बढ़ने चाहिए
वो पूर्ण रूप से बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। नए फाइनेंशियल सोर्सेस को आप खोजने की तरफ अग्रसर थे तो वहां पर भी जो सफलता है वो चिरपरिचित अंदाज के भीतर आपके लिए यहां पर देखी जा सकती है। वहीं पे मेटल इंडेक्स के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और कोई भी धातु संबंधी विशेष कामकाज के साथ अगर आप जुड़े रहे हैं और उसकी मार्केटिंग के साथ में उसकी सेलिंग प्रपोशंस के साथ में जुड़े हुए रहे हैं तब भी ये दिन आपके लिए बेहद उम्दा अपॉर्चुनिटीज को सामने लेकर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र के भीतर जो भी महानुभाव कुंभ राशि से संबंधित हैं उनके लिए जो शुरुआती समय स्तर रहेगा यानी कि जो दिन का मध्य अंतराल तक की पोजीशन रहेगी वो देखिएगा आप कि नई अपॉर्चुनिटीज को खटखटाने का काम करेगी आपके लिए। वहीं पे चर्चा करते हैं मीन राशि की। भाग्य का सपोर्ट उसके साथ ही साथ में साहस की पोजीशंस बनी हुई है। व्यापारिक स्तर के ऊपर किसी भी नए बिजनेस पार्टनर को लेकर आगे चलने की जुगत के भीतर आप हैं और उन पोजीशंस के साथ में चलना चाह रहे हैं तो सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देती है। भाग्य का सपोर्ट और इसके साथ में ही जब बृहस्पति विराजित हो गए तो गजकेसरी की पोजीशन पहली बात तो बनी और साथ ही साथ में जो एक तरह से हमारे लिए पूर्वाभास पास्ट एक्सपीरियंसेस कई बार नेगेटिविटी लेकर आने का काम करते हैं वो भी बड़ी आसानी से दूर होते चले जाएंगे। लेखन के साथ में और वहीं पे पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ में आप चल रहे हैं तो सफलता की उम्मीद लंबे समय से कर रहे थे किंतु संघर्ष ही हाथ लग रहे थे, ये दिन सफलता के द्वार भी आपके लिए खुलता हुआ दिखाई देगा। धैर्य की स्थितियां और वहीं पे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है किंतु रोग आपको जो भी ब्लड रिलेटेड रोग होते हैं भले ही ब्लड प्रेशर की संभावनाओं की बात कर लीजिए या फिर जो भी महानुभाव एनिमिक रहते हैं उनके लिए ये दिन ज्यादा सावधानी के साथ में चलने का रहेगा। तो ये था 10 अगस्त 2019 का दैनिक राशिफल। ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ में हम हाजिर होते रहेंगे। आभार और धन्यवाद।